इलेक्ट्रिकल सर्किट हो रही है, यूनिट सेकंड नेटवर्क थ्योरम्स, इसका टॉपिक है 2.5 थेवेनिन थ्योरम्स। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को सॉल्व करने में जो जितने भी थ्योरम्स जो अपन प्रयोग करते हैं उसमें थेवेनिन थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। इसमें क्या है कि ये चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो, जिसको अपन जिस उस नेटवर्क के जिस ब्रांच में अपने को वोल्टेज या करंट जो पता करना होता है, तो उस जटिल नेटवर्क को थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से अपन एक सिंगल वोल्टेज सोर्स वाली नेटवर्क इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर उस सिंगल वोल्टेज सोर्स से जो है आगे बहुत ही इजीली अपन किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में वोल्टेज या करंट पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट देखें, एनी टू पोर्ट नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंगल वोल्टेज सोर्स हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस वेयर वोल्टेज ऑफ वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको अपन VTH से रिप्रेजेंट करते हैं या थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं, एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लुकिंग बैक इनटू द नेटवर्क फ्रॉम ओपन सर्किट टर्मिनल। इस ओपन सर्किट जो रेजिस्टेंस है इसको थेवेनिन रेजिस्टेंस या RTS से अपन डिनोट करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन को जो अपन तीन स्टेप में समझ सकते हैं आराम से। मान लीजिए जो आपको कोई एक नेटवर्क दे रखा है, ये जो फिगर में बता रहा है, इसमें एक सोर्स है और ये एलिमेंट्स है। इसमें सपोज करो जो RL जो लोड है, इस पर लोड के टर्मिनल पे वोल्टेज और लोड में जो करंट अपने को फाइंड आउट करना है। तो इस जो सर्किट में अपने थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है अपने को VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज पता करना। तो फर्स्ट स्टेप में VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज किस तरह से पता करेंगे, आप देखिए इस नेटवर्क को ड्रॉ किया मैंने और ये जो लोड है RL हटा दिया, तो इसके जो लोड टर्मिनल है इस पर जो वोल्टेज जितने मिलेंगे उसको अपन VTH कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक, तो इसको जो है अपने पहले कैलकुलेट किया है। तो VTH क्या होगा, जो ये अगर मान लीजिए लोड से सप्लाई हो रही है करंट I, नेटवर्क जो फ्लो हो रही है, तो I into R2 के बराबर जो इस I into R2 के मल्टीप्लिकेशन बराबर VTH होगा। तो VTH यानी I into R2, और I की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल सी जो है लोड के अक्रॉस आपके दो रेजिस्टेंस सीरीज में R1 plus R2, तो I की वैल्यू देगी E upon R1 plus R2 और VTH I into R2 इसमें I की वैल्यू पुट कर दी, इस तरह से VTH की वैल्यू आपको ये मिली। दूसरा जो स्टेप है अपना अब थेवेनिन रेजिस्टेंस पता करने के लिए, तो जैसा कि थेवेनिन के रेजिस्टेंस में नाम पड़ा कि थेवेनिन रेजिस्टेंस पता करने के लिए क्या करते हैं, जो वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स है जैसा भी सोर्स है उनको अपन क्या करते हैं रिड्यूस टू जीरो, यानी वोल्टेज सोर्स है जो उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, करंट सोर्स है तो ओपन करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस या इम्पीडेंट है वो सर्किट में ही रहेगा, वो नहीं हटेगा। ठीक है, अब आपको जो लोड टर्मिनल AB है इस साइड से जो एरो मार कर रखा है, इस साइड से लुक बैक इनटू द नेटवर्क, नेटवर्क के बैक आप देखें, यानी यहाँ से आप चले गए और जो जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है सर्किट वो जो है थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। तो इस सिंपल नेटवर्क में देखिए आप R1 और R2 दो पैरेलल दिख रहे हैं, ये इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो RTH हो जाएगा इनके दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक, तो अब अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम अपने को VTH मिल गया, RTH मिल गया, तो अब जो गिवन नेटवर्क को अपन एक सिंगल वोल्टेज सोर्स वाली नेटवर्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी नेटवर्क को अपन देखिए वोल्टेज सोर्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल वोल्टेज सोर्स पे, और जिसके टर्मिनल पे अपना लोड RL कनेक्टेड है। इसमें ये जो वोल्टेज सोर्स का जो जिसे रिप्रेजेंट कर रही है वो ये तो इसका वोल्टेज EMF है और RTH इसका इंटरनल इम्पीडेंस होगा। तो अब जो है लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा VTH, और लोड में करंट कितना फ्लो होगा I बराबर VTH upon RTH upon RL, इस सिंपल ओम्स लॉ से ऐसा पता कर लिया। एक छोटा सा एग्जांपल देगी जिसमें अपन समझ सके थोड़ा ढंग से, थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से जो ये 3 ओम रेजिस्टेंस है ये भी टर्मिनल पे लगा हुआ, इसमें जो फ्लोइंग करंट हम लोग को पता करना है। तो फर्स्ट स्टेप वही है VTH के लिए अपन कर रहे हैं इसको सॉल्व। तो VTH के लिए क्या करते हैं कि लोड को हटा दीजिए, AB टर्मिनल से हटा दिया, तो अब इसमें अभी दो वोल्टेज सोर्स है और ये देखते हैं कि यहाँ पर AB पर वोल्टेज कितना मिलेगा। तो देखिए AB पर वोल्टेज मिलेगा अपने को, ये इसको ग्राउंड मान लें तो ये 20 EMF है, तो इसका वोल्टेज होगा 20 वोल्ट, और इसमें अगर ये फ्लोइंग करंट अगर I हो रही है, क्योंकि करंट अपवर्ड फ्लो होगी क्योंकि इसका EMF 20 वोल्ट है और इसका EMF 10 वोल्ट है,
तो ये पावरफुल है तो करंट अप साइड यूँ चलेगी एंटी क्लॉक वाइज। तो अब यहाँ इसका 20 वोल्ट ये ईएमएफ है, और यहाँ से जो ड्रॉप होगा इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस में वो उतना वोल्टेज इस टर्मिनल का कम हो जाएगा। ये वोल्टेज यहाँ पर जितना होगा उतना ही यहाँ पर ए और बी लो टर्मिनल के बराबर वोल्टेज होगा। तो वी टी एच होगा अपना जो है ए और बी टर्मिनल के बराबर अक्रॉस जो वोल्टेज उसके बराबर, और ये होगा आपका 20-5 मल्टीप्लाई बाई फ्लोइंग करंट आई। और आई की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ये सिंपल नेटवर्क है जिसमें दो सोर्स और दो रेजिस्टेंस लगे हैं, तो इसमें दोनों ईएमएफ एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं, तो ये नेट ईएमएफ हो जाएगा 20-10 और ऑल डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस 10 और 5 है, तो आई मिला अपने को 2/3 एम्पियर। आई की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो इस तरह से वी टी एच की वैल्यू आपको आई है 50/3 वोल्ट। अब दूसरा स्टेप आता है कैलकुलेट आर टी एच थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो आर टी एच के लिए क्या करते हैं, जो भी सोर्स है जितने भी उन सबको अपन रिड्यूस टू 0 यानी हटा देते हैं। हटाने का मतलब ये है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन करना, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में रहता है, सर्किट वो उसको सर्किट से नहीं हटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस टर्मिनल ए बी से लुक बैक इनटू द नेटवर्क, नेटवर्क पे देखते हैं तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 ओम, फिर इसके आगे जो पैरेलल में है 5 और ये 10 ओम, तो 10 और 5 का पैरेलल निकाल दीजिए, उसके साथ 2 ओम और जोड़ दीजिए, इस तरह से ये आपके थेवेनिन रेजिस्टेंस मिल जाएगा 20+50/15 यानी 16/3 ओम। ठीक, तो अब अपने पास जो है ये वी टी एच आर टी एच आ गए, तो अब उस क्यूस में जो सर्किट दे रखा था उसको अपन इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स है जिसका ई एम एफ 50/3 है, और एक सिंगल सीरीज रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस 16/3 है, और ये तीनों अपना रेजिस्टेंस ए बी पॉइंट के अक्रॉस। अब इसमें फ्लोइंग करंट आपको आई पता करना है, तो सिंपल ये नेटवर्क है तो इस इंस्पेक्शन से अपन को दिखता है कि ये आई करंट होगा वी टी एच अपन आर टी एच प्लस आर एल, तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व करने पर जो 3 ओम रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस उसमें 2 एम्पीयर करंट फ्लो होगा।